राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस आलाकमान आज दिल्ली में बैठक करने जा रही है, जिसमें राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने के साथ ही दोनों नेताओं में सुलह करवाने की मशक्कत भी होगी। इसी बीच आज दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान पर कहा कि आज सीएम गहलोत और पायलट से मुलाकात होगी और उनके आने के बाद ही कुछ बात होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के हित में जो बातें होगी उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गहलोत खेमे के एक मंत्री ने सचिन पायलट पर तीखा प्रहार कर दिया है। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने बगैर किसी का नाम लिए इशारों इशारों में पायलट पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, वे सांसद रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष रहे और अब विधायक भी है, इसके बावजूद वे पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मतभेद है तो घर में बैठकर सुलझाया जा सकता है। दरअसल सालेह मोहम्मद मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में इस समय महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, ऐसे वक्त में पार्टी के खिलाफ जाकर काम करना उन्हें शोभा नहीं देता। पार्टी ने किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। हालांकि ये कहते हुए सालेह मोहम्मद ने सचिन पर खुलकर टिप्पणी भी कर दी और ये भी कह दिया कि वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि आज जिले में बैठक है और माना जा रहा है कि समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर सचिन के अल्टीमेटम के 2 दिन ही बचे हैं, उसके बाद सचिन आंदोलन की राह पर हो सकते हैं और इससे कांग्रेस को काफी नुकसान होने की संभावना है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।